आज के समाचार के मुख्य प्रायोजक हैं दरभंगा किसान आनंद भोग आटा। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने दरभंगा पुलिस के नाम से वेबसाइट लॉन्च किया है। इस वेबसाइट के लॉन्च होने से अपराध नियंत्रण एवं ट्रैफिक नियंत्रण में सहयोग दरभंगा पुलिस को मिलेगा। फिलहाल ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए इस वेबसाइट पर शहर में चलने वाले टेम्पो को एवं बस की रूट एवं सभी जानकारी उस वेबसाइट पर उपलब्ध है। शहरी क्षेत्र में 10,000 टेम्पो चल रहा है, जबकि DTO कार्यालय से मात्र 4,500 टेम्पो का रजिस्ट्रेशन एवं रूट निर्धारित है, जिसके कारण शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि अक्सर देखा जा रहा है कि अगल बगल के जिलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों से ऑटो चालक शहर में आकर ऑटो चलाते हैं, इससे यात्रियों की सुरक्षा पर भी खतरा बना रहता है। इन्हीं तथ्यों के मद्देनजर ट्रैफिक कंट्रोल अपराध नियंत्रण विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। वेबसाइट ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर के समर्पित है। शहर में पाया गया है कि करीब 10,000 ऑटो चल रहे हैं, जबकि 4,500 ऑटो ही यहाँ पर परमिटेड हैं, जिस पर परमिट है। इस ऐप के और इस वेबसाइट के सहारे कोई पुलिस पदाधिकारी, DTO के ऑफिस के पदाधिकारी, RTO के पदाधिकारी बहुत ही सिंपल तरीके से केवल गाड़ी का नंबर डाल करके जान सकते हैं कि ये परमिटेड ऑटो है, क्या आपने रूट का वायलेशन तो नहीं किया। इससे हम लोग अपेक्षा करते हैं कि 50% ऑटो जो कि अनधिकृत है और अवैध है, वो यहाँ से दूर चला जाएगा, जहाँ पर वो अधिकृत है वहाँ चलाएगा। इससे जो सीमित रोड संसाधन है उसका कंजेशन दूर होगा और ट्रैफिक की समस्या कंट्रोल में आ जाएगी। कोर्ट परिसर के बाहर एवं सवन नाले के पास अनियंत्रित गाड़ियों की रखरखाव के कारण दरभंगा पुलिस को सुरक्षा देने में परेशानी आ रही है। इस परेशानियों को दूर करने के लिए अत्याधुनिक QRT का गठन किया गया है। QRT के पास एक विशेष अधिकार प्राप्त होगा, जो अपराध करने या अपराध करने की मंशा लेकर उच्च कार्यालय कोर्ट क्षेत्र में आने वाले अपराधियों पर सीधी कार्रवाई करेगा। यही बनाए हैं, ये बाबर इनका नाम हुआ। QRT न्यायालय, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, DM कार्यालय, DIG कार्यालय, कमिश्नर कार्यालय एवं IG कार्यालय में स्थापित वायरलेस से संपर्क में रहेगा। ये प्रशासनिक एरिया है, जहाँ पर न्यायालय अवस्थित है, IG, कमिश्नर, DM और SP का कार्यालय, जहाँ की लिटिगेंट आते हैं। यहाँ से सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुए एक क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है, जो कि सभी ऑफिसेस विशेष करके न्यायालय परिसर से वायरलेस से जुड़ा हुआ रहेगा और किसी भी स्थिति की सूचना आने पर वो इसको रिस्पांस देगा। कितने इसमें पुलिसकर्मी होंगे और कैसे एक सेक्शन गार्ड है, एक पदाधिकारी जो कि इसी एरिया में अवस्थित है।